Few Minutes Movies के दोस्तों, आज हम जिस मूवी की एक्सप्लेनेशन करने जा रहे हैं उसका नाम है एक्सिशन। फिल्म की शुरुआत में हम पॉलिन नाम की लड़की को देखते हैं, जो अपने ही ख्वाब में अपना ही एक ब्लडी रूप देखती है, जिसके बाद वो जाग जाती है और हमें पता चलता है कि पॉलिन एक मेंटली डिस्टर्ब्ड लड़की है जो कि एक सर्जन बनना चाहती है। पॉलिन की एक छोटी बहन होती है जिसका नाम ग्रेस होता है। उसे सिस्टिक फिब्रोसिस नाम की बीमारी होती है और उसे लंग ट्रांसप्लांट की जरूरत होती है। पॉलिन की माँ का नाम फिलिस होता है और उसके फादर का नाम बॉब है। और क्योंकि पॉलिन की फैमिली कंडीशन ठीक नहीं होती, इसलिए वो पॉलिन को साइकियाट्रिस्ट के पास लेकर नहीं जा सकते। अब स्कूल में जब पॉलिन क्लास ले रही होती है तो पॉलिन अपने टीचर से डेड बॉडीज के बारे में कुछ अजीब से सवाल करती है और हमें पॉलिन की फैंटेसी के बारे में पता चलता है, जिसमें पॉलिन एक डेड बॉडी के साथ इंटीमेट होना चाहती है। स्कूल के बाद पॉलिन को चर्च जाना पड़ता है, जहां पर चर्च के प्रीस्ट पॉलिन को थेरेपी देते हैं, लेकिन पॉलिन प्रीस्ट की बातों पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही थी, क्योंकि उसका मानना था कि उसको एक रियल साइकियाट्रिस्ट की जरूरत है। अब अगले कुछ दिनों तक हम पॉलिन के बिहेवियर को देखते हैं, जो कि बहुत बुरा होता है। पॉलिन अपने मैथ टीचर से हमेशा बहस करती है और उसकी माँ को बार बार प्रिंसिपल से मिलने आना होता है। पॉलिन अपनी माँ से भी ढंग से बात नहीं करती और फिलिस पॉलिन से बहुत परेशान रहती है। अब रात को पॉलिन जब सो रही होती है तो वो अपने ख्वाब में एक डेड बॉडी को देखती है, जिसके साथ वो इंटीमेट होती है। और ऐसा ही नहीं, उसे ये ख्वाब हर रोज आते हैं। अगले दिन पॉलिन अपनी वर्जिनिटी लूज करने का फैसला करती है और फिर एडम नाम के एक लड़के को देती है, जो उसकी ही क्लास में पढ़ता है। एडम को उसकी ये बात बहुत अजीब लगती है। अब उस रात का सीन हम देखते हैं, जब पॉलिन अपनी नाक में सुराख करके एक नोज रिंग पहन लेती है और सोते वक्त फिर से पॉलिन को ख्वाब में डेड बॉडीज दिखाई देती हैं। और पॉलिन एक खून से भरे हुए बाथटब में जाकर नहाती है और उससे हमें ये पता चलता है कि पॉलिन हमेशा इंटिमेसी को खून खराबे से करना चाहती है। अब अगले दिन फिलिस पॉलिन की नाक पर नोज रिंग को देखती है तो उस पर गुस्सा करती है और फिर बॉब उससे उसकी नोज रिंग उतरवा देता है और पॉलिन को इस बात पर बहुत गुस्सा आता है। अगले सीन में पॉलिन और ग्रेस घर के बाहर खेल रही होती हैं। उनकी बातों से हमें पता चलता है कि पॉलिन अपनी बहन से बहुत प्यार करती है। अब पॉलिन और ग्रेस को उनके नेबरहुड में एक नई लड़की दिखाई देती है, जो स्किपिंग करी होती है। अब पॉलिन उस लड़की से दोस्ती करने की कोशिश करती है, मगर वो लड़की पॉलिन की इंसल्ट कर देती है और उस टाइम पे पॉलिन को बहुत गुस्सा आ जाता है। पॉलिन को उसे मारने का मन करता है। अब उस रात पॉलिन टीवी देखते देखते सो जाती है और उसे फिर ख्वाब में डेड बॉडी के साथ इंटीमेट रिलेशन देखती है। अगले दिन पॉलिन के स्कूल का लड़का एडम उसकी बात को मानकर उसके इंटीमेट होने के लिए रेडी हो जाता है। एडम पॉलिन को उसके घर पर लेने आता है और फिर वो दोनों एक होटल में जाते हैं। और जब एडम और पॉलिन इंटीमेट हो रहे होते हैं तो पॉलिन इमेजिन करती है कि उसने एडम को मार दिया है और बेड पर हर जगह खून है, और ये इमेजिन करके पॉलिन को बहुत अच्छा महसूस होता है। अब पॉलिन एडम को उसे लिक करने के लिए बोलती है, पर क्योंकि पॉलिन अपने पीरियड्स पर होती है तो एडम के मुंह पर खून लग जाता है, जिससे एडम को बहुत ज़्यादा गंदा फील होता है और वो फौरन ही पॉलिन को वापस उसके घर पर छोड़ आता है। अब उधर ही पॉलिन को लगने लगता है कि वो एडम की वजह से प्रेग्नेंट ना हो जाए। और फिर रात को सोने के बाद पॉलिन को ख्वाब आता है, जिसमें वो अपने अंदर से एक अधूरे बच्चे को बाहर निकालती है और फिर एक जेनोमिक डॉक्टर उसे जला देता है और फिर पॉलिन जाग जाती है। अब स्कूल में पॉलिन सेक्स एजुकेशन के वक्त अपने ब्लड के ऊपर टेस्ट करने लगती है, जिसके बाद एडम की गर्लफ्रेंड नैटली को पता चल जाता है कि वो और पॉलिन एक दूसरे के साथ फिजिकल हुए थे। फिर नैटली एडम से ब्रेकअप कर लेती है। अब उस दिन घर जाकर पॉलिन अपनी नाभि को छोटा करने के लिए एक सर्जरी करने का सोचती है, लेकिन ग्रेस उसे आकर बताती है कि लड़के नाभि पर नहीं ब्रेस्ट पर अट्रैक्ट होते हैं। और अब अगले दिन पॉलिन की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब रहती है और उसके पेरेंट्स उस बात पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते। अब एक दिन फिलिस फैसला करती है कि वो अपनी बेटियों को एक ऐसी पार्टी में ले जाएगी जहाँ लड़कियों को लड़कियों जैसा बिहेव करना सिखाते हैं, मगर पॉलिन उस पार्टी में नहीं जाना चाहती थी, इसलिए वो स्कूल में एक ऐसी दवाई खा लेती है जिससे वो बीमार हो जाती है। लेकिन फिलिस को पॉलिन की चालाकी के बारे में पता चल जाता है और वो पॉलिन को ज़बरदस्ती उस पार्टी में ले जाती है। पार्टी में जाने के बाद पॉलिन लोगों को अपनी बातों से डराने लगती है और ग्रेस फ्लो फ्लो में एक लड़के को किस कर देती है।
उसके बाद पॉलिन भी एक लड़के को किस कर देती है, जिसकी वजह से दोनों ही लड़कियों को पार्टी से निकाल दिया जाता है और फिलिस को काफी ज्यादा एम्बेरसमेंट फील होती है। अब अगले दिन पॉलिन स्कूल बंक करके एक लाइब्रेरी में चली जाती है, जहां पर वो सर्जरी के ऊपर बुक पढ़ती है और फिलिस को पता चल जाता है कि पॉलिन स्कूल नहीं गई है। जब पॉलिन घर आती है तो फिलिस उसको गुस्से में थप्पड़ मार देती है, जिसके बाद पॉलिन को बहुत गुस्सा आता है और वो अपने कमरे में चली जाती है। अब रात के टाइम डिनर के वक्त फिलिस पॉलिन से माफी मांगते हुए उसके लिए एक अच्छा सा डिनर बनाकर ले आती है, पर पॉलिन गुस्से में वो खाना उठाकर अपनी माँ के मुंह पर मार देती है और वहां से चली जाती है। अब उस रात फिलिस बॉब से कहती है कि पॉलिन एक पागल लड़की है और अब मैं उसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करती, अच्छा ही होगा कि हम उसको एक पागल खाने में भेज दें। ये सारी बातें पॉलिन भी सुन लेती है, जिससे उसको बहुत बुरा लगता है। अब अगले दिन स्कूल जाते हुए पॉलिन को एक मरा हुआ कबूतर मिलता है, वो उसे बैग में रख कर वापस घर ले आती है और फिर पॉलिन अपने कमरे में उस कबूतर के ऊपर अपने सर्जरी के टैलेंट को यूज़ करती है, जिससे हर जगह खून खून हो जाता है और अब पॉलिन का सर्जरी करने का ऑब्सेशन और ज़्यादा बढ़ जाता है। उस रात एडम की गर्लफ्रेंड नैटली और उसकी एक दोस्त पॉलिन के घर के बाहर से खराब कर जाते हैं और अगले दिन पॉलिन की फैमिली को ये बात पता चलती है तो उससे बहुत गुस्सा आता है और फिर पॉलिन गुस्से में स्कूल जाती है, जहां वो नैटली को पकड़कर उसका मुंह उसके लॉकर पर मार देती है, जिससे नैटली के मुंह से खून निकलने लगता है। इसके बाद पॉलिन को स्कूल से निकाल दिया जाता है, लेकिन वो अपने प्रिंसिपल से भी बहस करती है और वो अपनी माँ से भी उल्टा सीधा बोलती है। ये सब होने के बाद पॉलिन अपना हाथ काट कर अपने हाथ पर एक क्रूसिफिक्स बना लेती है और वो डिनर के टाइम अपने डैड की बात भी नहीं सुनती। और पॉलिन की इन सब हरकतों के बाद उसकी फैमिली उसे एक रियल साइकियाट्रिस्ट को दिखाने का फैसला करती है। अब रात को जब पॉलिन के पेरेंट्स बात कर रहे होते हैं तो वो उनकी बातें सुन लेती है और पॉलिन को पता चलता है कि अगर ग्रेस को लंग ट्रांसप्लांट जल्दी नहीं करवाया गया तो वो मर जाएगी। ये सुनकर पॉलिन को बहुत बुरा लगता है और वो अपनी बहन के साथ कुछ टाइम स्पेंड करती है और वो अपनी बहन को ठीक करने का फैसला करती है और फिर वो कहती है अब से वो एक अच्छी बहन और एक अच्छी बेटी बनेगी, कोशिश करेगी। ये सुनकर पॉलिन के पेरेंट्स को बहुत अच्छा लगता है और अब सबके सोने के बाद पॉलिन कुछ दवाइयों को जमा करती है और फिर ग्रेस का साइज लेती है और हम समझ आते हैं कि पॉलिन अपनी बहन का लंग ट्रांसप्लांट करने वाली है और वो ख्वाब में भी इसी चीज़ को इमेजिन करती है कि अगले दिन पॉलिन की माँ एक पार्टी को अटेंड करने के लिए चली जाती है और फिर पॉलिन अपने डैड को टीमी नींद की दवाई मिला कर देती है। अब पॉलिन अपनी पड़ोस वाली लड़की के पास जाकर फिर से उससे दोस्ती करने की कोशिश करती है। इस बार वो लड़की पॉलिन की बात मान जाती है। अब पॉलिन इस लड़की को लेकर अपने घर के गार्डन में आ जाती है, जहां पर वो पॉलिन उस लड़की को क्लोरोफॉर्म सूंघा कर बेहोश कर देती है। इसके बाद वो अपनी बहन ग्रेस के पास जाती है और उससे कहती है कि आज मैं तुम्हारे लिए जो करने जा रही हूं, तुम उसके लिए मेरा एक दिन शुक्रिया अदा करोगी। और फिर पॉलिन ग्रेस को भी बेहोश कर देती है और अब पॉलिन अपने बालों को काट कर गंजी हो जाती है और फिर गैराज में जाकर अपनी पड़ोसन की चेस्ट काट देती है और फिर अपनी बहन ग्रेस की भी चेस्ट काट देती है। और इस सब के बाद पॉलिन अपनी पड़ोसन के लंग्स को बाहर निकाल कर ग्रेस की बॉडी के अंदर ट्रांसफ़र कर देती है और फिर वो दोनों की बॉडी को स्टिच कर देती है। पर इस प्रोसेस के बीच में फिलिस वापस घर आ जाती है और उसे बॉब चेयर पर बंधा हुआ मिलता है और ग्रेस पूरे घर में कहीं नहीं मिलती। अब जब फिलिस ग्रेस को ढूंढते हुए अपने गैराज में जाती है तो वो पॉलिन को खून में लथपथ हुआ देखती है और फिलिस समझ आती है कि पॉलिन ने क्या किया है। अब पॉलिन अपनी माँ को देखकर बोलती है कि देखो माँ, मैंने अपनी पहली सर्जरी कर दी है, पर यह सर्जरी एक सक्सेस नहीं है, पर मैं अगली बार अपनी पूरी कोशिश करूँगी। फिलिस उसकी बातें सुनकर रोने लगती है और पॉलिन को रियलाइज़ होता है कि उसने क्या किया है और फिर पॉलिन फिलिस को गले लगाकर बुरी तरह चिल्लाने लगती है और पॉलिन को समझ आने लगता है कि उसे अपनी बहन को अपने पागलपन के चक्कर में मार डाला है और वो भी चीख चीख कर रोने लगती है और फिल्म यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।